श्रीनिवास में आज हुए एक्सीडेंट में 3 की मौत के बाद यातायात पुलिस ने स्कूल के बच्चों को समझाए नियम, बताया पालन करना क्यों है जरूरी। यातायात पुलिस ने नियमों के प्रति स्कूल के बच्चों को जागरूक करने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज हैप्पी डेज स्कूल परिसर में संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को बताया गया कि जब तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो तब तक वाहन न चलाए, दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करे, दोपहिया वाहन पर 3 सवारियां बैठा के न चलाए। आज श्रीनिवास स्कूल के पास हुई दुर्घटना के बारे में भी बच्चों को बताया गया कि कैसे यातायात के नियमों का पालन न करने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, बाइक सवार व्यक्तियों के हेलमेट नहीं लगा रखा था और दो पहिया पर 3 सवारी बैठे हुए थे। यदि हेलमेट लगा होता तो ये जान बच सकती थी। इसके अतिरिक्त बच्चों से और स्टाफ को रॉन्ग साइड न चलने की सलाह दी गई है। साथ ही सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजना गुड समरिटन और हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट योजना के बारे में भी बताया गया। जो आपके द्वारा एपिडेट में कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम? देखिए, ये देखने में आ रहा है और कई जगह से बात भी ट्रैफिक पुलिस के संज्ञान में आई है कि शहर में कई सारे ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जो पात्र ना होते हुए भी दोपहिया वाहनों का संचालन कर रहे हैं एवं तेज गति से अपना वाहन चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट भी धारण नहीं कर रहे हैं और वो दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जो कि एक क्षति है जो हमारे समाज को यातायात नियमों का पालन ना करने के कारण मिल रही है। तो ऐसे स्कूली छात्र और ऐसे स्कूली शिक्षक जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और अपने आप को किसी न किसी दुर्घटना का शिकार बना रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आज हमने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें स्कूली बच्चों को और स्कूली स्टाफ को यातायात नियमों के बारे में जागरूक जानकारी प्रदान की गई है। यातायात पुलिस सुप्री सभी से यह आग्रह करती है कि आप जब भी दोपहिया वाहन चलाएं, आप हेलमेट अवश्य आवश्यक रूप से पहने। ये निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा करता है और आपको किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाता है। इसके अतिरिक्त जब भी आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग आवश्यक रूप से करें। वाहनों को यदि आप कहीं पर पार्क करते हैं तो अपने वाहन को ऐसे स्थान पर पार्क करें जिससे सुगम यातायात में कोई अवरुद्ध या कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करता है उस पर क्या कुछ कार्रवाई? यातायात पुलिस सुपरी समय समय पर ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है। अभी विगत कुछ दिनों से हमारे द्वारा ऐसे वाहन चालक जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और उनके विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई की गई है।